अभी हम लोग पहुंच चुके हैं इको पार्क, और ये है एंट्रेंस गेट। भाई और मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि टिकट काउंटर और आगे जाना है हमें, इधर जाना है हमें। ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पार्किंग है और बहुत अच्छी तरह से बनाया है जगह, आप देख सकते हो। यू कैन सी गाइस, अरे बाबा। और मुझे यहाँ आके बहुत सुकून मिल रहा है क्योंकि बहुत ही अच्छा प्लेस है। आप भी अगर आओगे कलकत्ता तो ज़रूर यहाँ विजिट करके जाओगे। और आगे जो देख रहे हो आप लोग वो है आईपीएल टावर। यहाँ आप भी मज़ा ले सकते हो आके। ठीक है, तो चलो गाइस हम लोग ले लेते हैं अपना टिकट। शायद 30 रुपीज़ लेते हैं। पता है गाइस वीडियो लंबा होगा, सो मैं ये बता देता हूँ, लंबा होगा वीडियो, सो लास्ट तक देखना आप, मज़ा आ जाएगा, आपको अच्छा लगेगा आई होप। और ये जो है, ये है नेविगेशन मैप। जिनको नहीं पता कहाँ क्या बना हुआ है और क्या चीज़ है, यहाँ देखकर आप जा सकते हो, क्योंकि जो नया आते उनको नहीं पता होता कहाँ क्या है। वो सन्नाटा सा है, इतना ज़्यादा लोग अभी नहीं है यहाँ, तो शायद आगे जाके हमें मिल जाएगा, है ना भाई? यस। ठीक है, तो ब्लॉग का मजा लो गाइस। तो गाइस चलते हैं, क्या लिखा हुआ है थोड़ा पढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है ये, आपको अगर पता है तो प्लीज़ बता दीजिएगा। अगर आपको कुछ होता है यहाँ घूमते वक्त, तो फिर यहाँ क्लिनिक भी है। कुछ भी हो जाए आपको कोई डरने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ आप आके दवा ववा ले सकते हो। और ये है नेविगेशन, किस तरफ क्या जाता है, और यहाँ आप इंक्वायरी कर सकते हो। तो नॉर्मली हम लोग जो साइकिल चलाते हैं वो एक पेडल वाला होता है, लेकिन गाइस ये जो साइकिल है वो है दो पेडल वाला साइकिल, जो कि दो लोग बैठकर एक साथ चला सकते हैं। तो गाइस ट्राई कर लो, अगर आप यहाँ आओगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा। और यहाँ का जो व्यू है भाई साहब, मस्त है, मस्त। देख लो गाइस। ए भाई, झोला लेके किधर जा रहे हो भाई? बहुत मस्ती हो गया। अभी मिट्टी की बात करते हैं। ये जो आप लोग पानी के बीच पर देख रहे हो एक आइलैंड, ये इको पार्क का आइलैंड है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ जो पॉन्ड है आप आके नहा सकते हो और कुछ भी कर सकते हो, नंगा पुंगा भी नहा सकते हो। कुछ करना चाहते हो थोड़ी चुपके तो बिल्कुल ये आप मन में भी नहीं लाना, क्योंकि यहाँ अंकल लोग बैठे हैं चेयर पर। हेलो अंकल, कैसे हो? मजाक मत कर, मारूंगा। अभी जस्ट शुरुआत है, आप लोग आगे देखो, बहुत ही खतरनाक सा नज़ारा आप लोगों को दिखाएंगे। ओके, पार्क का जो साइड में बिल्डिंग्स है वो बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। Have a look guys, देखो लड़के लोग और कपल, वाह 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 वाह, कपल लोग भी चला रहा है साइकिल दो पैडल वाला। आप लोग भी चला सकते हो आके, बढ़िया तरह से एंजॉय कर सकते हो। आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ, चलाओ। और ये आंटी क्या कर रही, सॉरी दीदी, यहाँ स्टैचू बना हुआ है। ओ माय गॉड, ये तो स्टैचू है, मुझे तो नहीं पता था, लेकिन बहुत ही अच्छा। सच में गाइस, ऑसम व्यू है, ऑसम ऑसम। और अभी देखो छोटा सा सिनेमैटिक क्लिप, हैव अ लुक गाइस। ये पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, हाँ बेंगर छाता बोले ये क्या बोलते हैं इसको, मशरूम, मशरूम बड़ा सा मशरूम, पता नहीं क्या बोलते, लेकिन ठीक है। यहाँ ट्रेन पे चढ़ कर, ये मिनी ट्रेन है, इसका जो चक्का है व्हील है वो टायर का है, असली वाला ट्रेन जैसा नहीं है, लेकिन यहाँ आप बैठ कर घूम सकते हो। बहुत ही अच्छा अच्छा फैकल्टी है यहाँ पे, फैकल्टी 1-8। यह है टॉय ट्रेन।
और खाने के लिए भी कुछ टेंशन की जरूरत नहीं, यहाँ कैंटीन ऑलरेडी है। इतना जोर जोर से हवा बह रहा था, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। ओए क्या कर रहे हो चोरी चुपके? और अभी देखने को मिलेगा हमें वो फोटोग्राफी। हमारा आर्टिस्ट यहाँ खड़ा है और आंटी जी फोटो खींच रहा है। हमें हंग्री फील हो रहा था इसलिए हमने ले लिया कॉफ़ी और चिकन पैटिस और पानी और कुछ नहीं। और यहाँ मेनू लिखा है, आप लोग यहाँ देखकर खा सकते हो कुछ भी। और भाई क्या कर रहे हो भाई? ये तो कुछ देख रहा है। फिर से एक बार गाइस यहाँ का व्यू देख लो, व्हाट ब्यूटीफुल व्यू। ऐसा व्यू बहुत ही कम देखने को मिलता है, सो देख लो गाइस कैसा इतना अच्छा से बना हुआ है। और यहाँ पिक क्लिक करने के लिए इतना अच्छा लगता है ना, मत पूछो, खतरनाक जहर। देख रहे हो भाई साहब लोग, पीकॉक ये क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ। ये पॉन्ड के बीच में बना हुआ है और ये जो है आप देख रहे हो ये सामने वाला, ये है आइलैंड। सोच रहे थे जाने के लिए, शायद अभी टाइम नहीं होगा जाने को, है ना भाई। और सामने से आ रहे है हमारा ब्लॉगर। हे गाइस, मुझे तो ये पता नहीं, मुझे मालूम नहीं ये क्या है, बट ये सोलर से बना हुआ है, शायद हो सकता है पावर हाउस है। और बहुत ही अच्छा दिख रहा है क्योंकि ऑसम लुक है, ऑसम जैसे बना हुआ है ना, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। क्योंकि ये काम भी हो जाता है यहाँ से पावर सप्लाई शायद, और व्यू भी बहुत ही अच्छा बढ़िया आता है। और ये रहा आपका हर्बल गार्डन, देख रहे हो ना कैसा अच्छा दिख रहा है, बहुत ही ऑसम व्यू है यहाँ। सब जहाँ भी जाओ वहीं पे हर्बल गार्डन, एस्टेब्लिश इन 2015। इस पावर हाउस का नज़ारा और एक बार फिर से देख लो गाइस। हे गाइस, यहाँ बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, सो वीडियो कंटिन्यू देखते रहो, डोंट स्किप द वीडियो। ऐसा होता है गांव का वो दिखाया यहाँ पे, बिहार लगफर किशोक परमा विदिन चासकलम एंड रामवती इसमें ग्राम आ जाए, ये भी विदिन एक और टिंची दंग बिहार। सो नहीं ना हाँ रही है नहीं ग्राम परमा विदिन जाइए, है ना, ग्राम परमा ही नहीं कोई नहीं माना है, नो बंग परमा विदिन जाइए, नो परा भीतर कहाँ टिंची दंग बिहार अंटी सिया को छुन दो नो आ नहीं हानी नो चेकला फोन बना गया। ये मेरा घर था पहले जमाना में, और ये मेरी आंटी जी, ये जो बत्ती है इससे मैं पढ़ता था पहले। और ये देख सकते हो आप लोग, एक कॉर्न यहाँ लगाया है बहुत ही बढ़िया तरह से, कल छोड़ संग ग्वाल घोर, किसी को पीना है क्या दूध, आके पी सकते हो यार, टेस्टी टेस्टी। और एलोवेरा, एलोवेरा है यहाँ बहुत सारे, यहाँ पे बांध करके रखा है,
बहुत ही अच्छी तरह से। और यहाँ कॉफी, पत्ता कॉफी, लाओ बीजो एंड लाओ बीजो ऑल्सो हेयर। और वहाँ चांस कर रहे हैं लोग। और यहाँ एक सब्जी मंडी भी है, बाजार यहाँ इस गांव का, यहाँ से लोग खरीदते हैं सब कुछ। और ये आंटी क्या क्या रखे रखा है, एक केला आंटी कितने का? 10 रुपया। ये क्या है, लीची? वाओ नाइस। अंकल आलू प्याज कितने का बेच रहे हैं? ओ आलू वाओ बहुत बढ़िया। ऑरेंज। और यहाँ मच्छी भी है, आप लोग 200 रुपया किलो, 200 रुपया किलो। नहीं गाइस, चलो सच में गाइस यहाँ आके इतना अच्छा लगा, सच में ये जो मतलब गांव जैसा है बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके और देख के विजिट करके। मुझे भी चढ़ना था इस ट्रेन पर, टॉय ट्रेन पर, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था भाई, इसलिए हम चढ़ नहीं पाया। और एक बार ये नज़ारा देख लो गाइस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ऑसम, खतरनाक, जहर जहर। और ये जो है ये है जैपनीज फॉरेस्ट, बाद में जाएंगे हम लोग। और पेश है आपके सामने IPL टावर, अरे बुर्बक एपिल टावर। अगर आपको लिफ्ट पे चढ़ना है तो ये टिकट काउंटर है, यहाँ से आप ले सकते हो टिकट एंड आप चढ़ सकते हो और मज़ा ले सकते हो यहाँ से व्यू, क्योंकि ऊपर में चढ़ने से वो अलग ही व्यू आ जाता है गाइस, और बहुत ही बढ़िया लगता है। ये सारे जनता लिफ्ट के लिए वेटिंग पे है, ये लोग भी ऊपर जाकर व्यू का मजा लेना चाहते हैं। वाओ अंकल, यहाँ के लिए एक्स्ट्रा टिकट चाहिए? ओके थैंक यू। जैपनीज फॉरेस्ट गाइस, ये है जैपनीज फॉरेस्ट और यहाँ है जैपनीज कैफे, यू कैन कम एंड एंजॉय। और ये मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन ये है कुछ होगा, अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और ये है टेंपल, अभी हम जाएंगे इसी टेंपल पर और देखेंगे। और एक आंटी फोटोशूट कर रहा है अपना फैमिली के साथ, वाओ ग्रेट। और हम लोग आ गए अंदर, बार मनु ऐसे बोल ले।
यहाँ का एक एक प्लेस, एक एक जगह इतना क्लीन एंड क्लियर है, मत पूछो यार। बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये चीज़ में। और यहाँ से जब हम लोग निकल रहे थे तो मैंने देखा, और एक पता नहीं ये क्या है, लेकिन देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा था, इसलिए हम लोग सोचे चलो यहाँ भी चलते और देखते हैं। जापान, जापान मतलब खबर है, लाइक जापान गाइस। ओ हेलो, ये क्या है, ये कैट है क्या? मैं भी ऐसा ही बनाऊंगा अगर मेरा कोई कैट उठ होगा तो। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो जरूर क्या करना, जोर से यार, जोर से शेयर। हाँ जरूर, थक गया यार। हाँ, बोलने का भी वो ताकत हमारे पास अभी नहीं है यार। सो थैंक यू सो मच वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय। ओके okay?